तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊं कि आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो इंस्टाग्राम का आर्च स्टोरी वाला फीचर है उसे टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज वो ऑटोमेटिकली आर्चिव नहीं होगी। तो दोस्तों अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ऑटो आर्चिव स्टोरी वाला फीचर को बंद करने के लिए सबसे पहले जो आप इंस्टाग्राम को यहाँ से ओपन कर लीजिए। यहाँ से इसको ओपन करने के बाद सिंपली आपने जाना है यहाँ अपने प्रोफाइल सेक्शन में इधर और सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब अपने अगर आप अपने जाना है यहाँ पर थ्री लाइन्स के ऊपर और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब अपने अगर यहाँ पर जाना है योर एक्टिविटी के अंदर या फिर आर्चिव के अंदर, तो मैं योर एक्टिविटी के अंदर जा रहा हूँ और उसके बाद सिंपली आपने यहाँ सबसे लास्ट में जाना है, लास्ट थर्ड नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा आर्चिव का। सिंपली आपने आर्चिव पर यहाँ पर क्लिक कर देना और जितनी आपकी स्टोरी यहाँ पे आर्चिव हो रखी होंगी सारी सारी यहाँ पे शो कर रहा होगा। अगर नहीं शो कर रहा तो सिंपली आप स्टोरी आर्चिव या जो भी यहाँ जहाँ पे स्टोरी आप लिखा है वहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टोरी आर्चिव पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब आपने सिंपली इसको बंद करने के लिए आपने सिंपली अगर ना यहाँ पर जाना थ्री लाइन्स के ऊपर या सबसे ऊपर यहाँ पर थ्री लाइन्स दिख रही होगी तो आपने थ्री लाइन्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने आपका साथ नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट हाईलाइट या फिर सेटिंग का, तो आपने सिंपली यहाँ सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेव स्टोरी टू आर्चिव, यहाँ पे टर्न ऑन होगा तो आपने सिंपली यहाँ पे इसको टर्न ऑफ कर देना है। तो मैं क्लिक करके इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे ऑफ हो चुका है और बस ये आपका काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे आपने सिंपली बैक आ जाना है और बैक आ जाना है, दोबारा से यहाँ बैक आ जाना है और उसके बाद जो भी आप इस के ऊपर स्टोरी डालोगे अब आप जो स्टोरी है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टोरी आर्चिव में सेव नहीं होगी, मतलब आपकी स्टोरी ऑटोमेटिकली आर्चिव नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने के ऊपर जो ऑटोमेटिक स्टोरी आर्चिव वाला फीचर है उसको बंद कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्टोरी ऑटोमेटिकली आर्चिव नहीं होगी। तो दोस्तों बस आज की स्टोरी में इतनी ही, अगर तुम वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।